हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विशाल कोतवाल वंस अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब जो है बहुत बढ़िया होंगे अपनी जगह पर और नए साल के आने की खुशियां जो है मना रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है 31 दिसंबर है और इस वक्त मैं हूं भद्रवाह के सबसे टॉप जगह पर गुलडंडा, जहां पर आज स्नो फेस्टिवल जो है भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो है रखा हुआ है। तो हम भी विद फैमिली जो है निकल पड़े। आप देख सकते हैं रास्ते में जो है बर्फ़ जो है थोड़ी थोड़ी, जो कि कुछ दिन पहले ही पड़ी हुई थी। थोड़ी गाड़ियां भी जो है स्किड कर रही है, गाड़ियां जो हैं बहुत सारी आ रही हैं। काफ़ी रश रहने वाला है आज, सभी लोग जो है एंजॉय करने वाले हैं। आज 31 दिसंबर जो है मनाएंगे, तो हम भी जो है निकल पड़े हैं। दोस्तों, मेरी तरफ से आपको आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आप सब जो हैं अपने स्थान पर जो हैं सही तरीके से एंजॉय करेंगे और कई चीज़ों का जो है ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई का ख्याल जो है, कुछ नए साल में जो है नया रेजोल्यूशन भी जो है आपको बनाना पड़ेंगे। तो दोस्तों, मेरे पीछे का नज़ारा चलिए पहले मैं यही दिखा देता हूँ। तो थोड़ी देर आगे चल के हमारे पास जो आएगा गुलडंडा वगैरह जो है जगह का नाम है, वहीं पर चलते हैं और वहीं पर थोड़ा सा देखते हैं कि आज गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आज ऑर्गेनाइज किया गया है स्नो फेस्टिवल। तो लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो शूट किया था तो वो जाई में था, इस बार जो है गुलडंडा जो है जगह चुनी गई है स्नो फेस्टिवल के लिए। तो देखते हैं आगे जाकर क्या होता है। फ़िलहाल तो मेरे पीछे का नज़ारा आप देख लीजिए, बर्फ़ से ढके ये पेड़, ये ऊंचे ऊंचे आप देवदार के पेड़ जो है देख सकते हैं। ये देखिए पूरा स्नो से भरा हुआ है। दोस्तों, जो पहाड़ी आप सामने देख रहे हैं ना, ये है आशापति, आशापति ग्लेशियर के नाम से जो है सोनबाई भी इसे कहा जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू जो है यहाँ से ये आपको देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे टूरिस्ट जो है आज भद्रवाह में आए हुए हैं। मौसम बहुत बढ़िया है। रास्ते का थोड़ा सा इशू है कि गाड़ी स्किड वगैरह करती है, लेकिन कोई इतना ज़्यादा भी नहीं है, कर लोगे। ये देखिए, आप देखिए आज भद्रवाह में गुलडंडा की तरफ जो है कितने लोग बाहर से, ये जो है पूरे इंडिया से जो है लोग आज इस तरफ अपना रुख कर रहे हैं। कहाँ जा रही हो? गाइस, वेलकम बैक। तो मैं पहुंच चुका हूँ गुलडंडा में और आपको नज़ारा जो है यहाँ का मैं दिखा देता हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आप यहीं पर टेंट वगैरह जो है लगे हुए जाएंगे। अभी थोड़ी देर में यहाँ का नज़ारा भी ले लेंगे, आपको दिखाएंगे यहाँ पर क्या चल रहा है। तो टाइम इस वक्त जो है 1:30 बज चुका है, तो 1:30 बजे जो है अभी लंच का टाइम है, लेकिन हमने लंच वगैरह तो लाया नहीं है, कुछ फास्ट फूड वगैरह लेके आए हैं, तो वही एंजॉय करेंगे। थोड़ा सा व्यू आपको दिखा लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग यहाँ पर हम जो है एंजॉय करेंगे।
प्रोग्राम है आज। ठंडा कर दिया, कोई बात नहीं, अभी कोल्ड ड्रिंक ले, ठंडा ठंडा। मुझे एक ब्लॉगर नजर आया यहाँ पे। नमस्ते, कौन हाल चाल? ठीक ठाक बिल्कुल, और ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे सामने है भद्रवा वाली, हमारे भद्रवा के जो है काफी मशहूर ब्लॉगर जो है, काफी दूर तक जो है ये कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? मुझे ठंड बहुत ज्यादा, ठंड बहुत है। आप तो चले, मैं अपनी फैमिली के साथ आपको मिलवाता हूँ। ओके बाय। चलो चल घूम, चलो नीचे, चलो 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 चलो, शबाज गिरना मत। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है, स्टॉल जो है लगे हुए। ये भद्रवाही राजमा, तो भद्रवा राजमा का भी स्टॉल जो है यहाँ पर, साथ में देख सकते हैं भद्रवाही वॉलनट्स, कड़म का अचार, ये देखिए जबरदस्त का। सब लोकल है सर यहाँ का? हाँ हाँ, मैं खुद भद्रवाही आज का टूर जो है हो चुका है ख़त्म। गुलडंडा से हो चुके हैं, वापस आ चुके हैं हम, क्योंकि काफ़ी बहुत सर्दी थी वहाँ पर। एंजॉय भी किया थोड़ा बहुत, डांस जो कि आपने देखा होगा वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज़ प्लीज़ कुंवर की रिक्वेस्ट पे सब सब्सक्राइब करें।